अभी इस लेवल पे आप लोग एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे इवैल्यूएट कैसे करेंगे सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हां एनालाइज और सिंथेसिस कैसे करेंगे ये समस्या बनती है ठीक है हां अब इसमें क्या समझना चाह रहा है इसको समझने के लिए सबसे जरूरी यह है कंटेंट एनालिसिस जितना ज्यादा आपका कंटेंट में पकड़ रहेगा उतनी आसानी से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ठीक है अगर कंटेंट नहीं तैयार है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे नॉलेज लेवल में ही रह जाएंगे हम कह रहे हैं आप अंडरस्टैंडिंग वाले भी सवाल नहीं बना पाएंगे अगर कम आपका जो है कंटेंट पे पकड़ नहीं हाँ आप जाते हैं रिसर्च करने तो सुपरवाइजर पूछता है ना पहले कौन सब्जेक्ट में पीजी किए हो क्यों पूछता कितनी डेप्थ नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप ठीक है फिर आप कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो उसी में कुछ जोड़ देता है वो जागृति से पीजी है जागृति वाला पे क्यों करता है लिखना चाहता है जहाँ पे स्लाइड है अब आप पता चला कि जो है जागृति से जो है जागृति में अच्छी पकड़ रहती है हम आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक पकड़ा रहे तो क्या इनवैलिड हो जाएगा इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ डायरेक्शन लेस हो जाएगा फिर आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी ये कंटेंट की बात होती है ठीक है आप हमसे मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से बताऊंगा किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे इसीलिए जो है लोग अपने जो डिलीमिट करते हैं अपना एरिया जो है पहले से डिलीमिट कर लेते हैं कि हम यहाँ जागृति या इकोनॉमिक्स या इसी टाइप के जो है सब्जेक्ट लेके दो चार वेरिएबल वगैरह देखेंगे यही करते हैं ना आप क्यों करते हैं इसका बेसिक रीजन यही है कि ये सब चीजें जो छोटी छोटी है ना ये आपको बाद में पता चले उस समय नहीं समझ में आता ठीक तो इसके लिए हम इसीलिए कहें ना कि आप लोग जिस सब्जेक्ट में कंफर्ट हो उसमें बनाइए हाँ तो जैसे इन्होंने बनाया तो आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए किस में कंफर्ट हो रहा है उसी में बनाइए क्वेश्चन हाँ उसके लिए आपको कंटेंट एनालिसिस की बहुत आवश्यकता हो कंटेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो हम कह रहे हैं किसी थियरी या कंसेप्ट को या प्रिंसिपल को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया घोंट के पी लिया उसको कहीं तो उसका एप्लीकेशन क्या आप उसकी एनालिसिस सिंथेसिस सब कर डालेंगे लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं ठीक बात समझ में आई कि नहीं अब एप्लीकेशन लेवल के सवाल कैसे बनेंगे यही था सवाल ना इसके पीछे इतने हमने जो तर्क दिए यही है पढ़िए बस इसका कोई वो जो है कोई जो है ना क्या कहते हैं कि शॉर्ट रास्ता नहीं है बस जाके जो इसको समझ जितना ज्यादा पढ़ेंगे अपने कंटेंट के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी होगी आप और उतनी आसानी से आप जो चीजों को बना लेंगे ठीक बात समझ में आई कि नहीं तो ये है आपका सेकंड स्टेप अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़े आज चार पांच बजे तक चलेगा फिर दो ही स्टेप हुआ है आइटम बन गए ठीक है कितने सवाल बने 120 ठीक है अब तीसरी स्टेज आती है सिलेक्शन ऑफ आइटम ठीक है सिलेक्शन ऑफ आइटम में दो स्टेजेस होती है एक प्री ट्राई आउट और दूसरी ट्राई आउट ठीक है प्री ट्राई आउट स्टेज में क्या होता है इसमें दो लोग जो है दो स्टेक होल्डर लगते हैं एक तो लगेगा एक्सपर्ट ठीक है ठीक और दूसरे रहेंगे स्टूडेंट एक्सपर्ट के पास क्यों ले जाएंगे आप कंटेंट मास्टरी हाँ वो सारी चीजों को देख के आपको आउटलाइन बता देगा कोई डिफिशियंसीज तो नहीं है कोई गड़बड़ी तो नहीं है तो वो फिर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे ठीक है अब 120 में से आपके 10-20 सवाल वो निकाल देता है अभी मोटा मोटा हम बता रहे हैं हाँ 10-20 सवाल वो निकाल देता है मान लीजिए उसने 15 सवाल निकाल लिए ठीक बचे कितने 105 अब फिर आप क्या करेंगे उसके द्वारा सुझाए गए जितने भी जो है करेक्शन रहेंगे उसको सही करके अब आप किसके पास जाएंगे स्टूडेंट्स के पास इसको कहते हैं प्री ट्राई आउट स्टेज में पायलट स्टडी ठीक है
पायलट स्टडी में क्या करते हैं आप, 30 से 40 50 बच्चों को जिनके ऊपर एडमिनिस्टर करना है उन बच्चों के पास टूल ले जाते हैं, ठीक, और उनसे पूछते हैं कि इसमें देख के बताओ कोई गड़बड़ी तो नहीं है, भाषा संबंधी त्रुटि हो गई, हाँ तुम्हारे हिसाब से जो है कोई मात्रा या कुछ जो है चीज नहीं समझ आ रही उसको बता दो, ठीक। तो बच्चा जितने आपको सजेशन देता है 30-40 बच्चे, या आपने कहा कि आप इस पर लिख डालो जो जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं या आपके हिसाब से कठिन है या आपकी इसको भाषा नहीं समझ में आ रही या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, ठीक, बच्चे ने सब लिख दिया, फिर आप उसको लेके आए और करेक्शन करें, ठीक है, करेक्शन आपने कर लिया, बात समझ में आ रही कि नहीं। यहां तक आपका प्री ट्राई आउट स्टेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है ट्राई आउट स्टेज की, जिसको कहा जाता है आइटम एनालिसिस, ठीक। अब आइटम एनालिसिस मेन प्रोसेस आपकी यहां से शुरू होती है, ठीक। अब आइटम एनालिसिस में दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी रहती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिफिकल्टी वैल्यू, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो 7 स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके जो है 100 सवाल रह गए, मान लीजिए 15 एक्सपर्ट ने निकाल दिए, 5 बच्चों ने कहा कि ये सर बहुत कठिन है बहुत गलत है नहीं समझ रहा, तो आपने निकाल दिया 100 सवाल बच्चे आपके, ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं, 100 सवाल को फिर बच्चों के पास आप ले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कई चीजें आती है, कई बात आती है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन के समय सैंपल साइज क्या रखें, कोई कहता है 100 बच्चों पे कर लीजिए सही, कोई कहता है 200 पे कर लीजिए, ठीक है, कोई कहता है 300 पे कर लीजिए, सबका अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन जो आइडियल फॉर्मेट है वो 370 का। हाँ सर, अभी जैसे आपने जो पीछे टेबल बनाया था उसमें जो आपने क्लासिफिकेशन बताया था कि हम सबको वेटेज देंगे पहले से तीनों जिसमें बट सर जैसे हम एक्सपर्ट के पास ले गए उसने जो क्वेश्चन बाहर किए वो भी हमारा जो है एप्लीकेशन से बाहर हो गया, बच्चे भी हमारे एप्लीकेशन क्वेश्चन इस बारे में वहां से बात करते हैं। इसमें देखिए दो चीजें होती है, या तो आप जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलिए, ठीक है, दूसरी ये होती है कि जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन से बाहर होने लगते हैं सवाल तो उसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को रिवाइज किया जाता है कि अब आप एक्सपर्ट ने कहा कि ये गलत है तो आपने पूछ लिया कि भाई इसमें क्या गलती है, ठीक है, आपका भी गलती है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है आप हमको बता दीजिए हम उसको सही कर लें, एक तो ये तरीका है, ठीक है, या फिर नॉर्मली या यूनिफॉर्म तरीके से जो है गलतियां 4 इसमें से निकल रही हैं तो आप निकाल दीजिए क्वेश्चन ही हटा दीजिए, या फिर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन से निकल रहे हैं तो जो है उसको रिफ्रेम कर लीजिए, यही दो ऑप्शन, ठीक। और नॉर्मली जो है एक बार ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ऐसा नहीं होता है, वही भी बात आ जाती है ना कंटेंट एनालिसिस की, अगर आपने कंटेंट ठीक से पढ़ा है क्वेश्चन ठीक से फ्रेम किए हैं तो इतनी ज्यादा गलती नहीं होगी कि आपका जो है पर्टिकुलर नॉलेज का या अंडरस्टैंडिंग का या एप्लीकेशन का सारा क्वेश्चन बाहर निकल जाए, ठीक है, निकलेंगे क्वेश्चन निकलते हैं नो डाउट, लेकिन सबसे करीब यूनिफॉर्म ही निकलते हैं, एक दो ऊपर नीचे होते हैं तो उतना चलता है, ठीक है, कि आपने पता चला कि 15 क्वेश्चन निकला तो जो है 5 जो है इससे निकल गया और 6 उससे निकल गया 3 उससे निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इतना चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर निकल रहा है तो आपको क्वेश्चन रिफ्रेम करना पड़ेगा, ठीक, हाँ यहां तक आपके बस में है, ये आप सब्जेक्टिव रूप से कर सकते हैं इस काम से क्वेश्चन रिफ्रेम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आइटम एनालिसिस में घुसेंगे फिर आपका कोई बस नहीं, आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जो आपको नंबर मिल रहा है जिस प्रकार से डीपी और डीवी आ रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं। सर 370 के पीछे कुछ इसकी वो लॉजिक है सर, 370 जो है 370 के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक आइडियल फॉर्मेट माना जाता है, ठीक है, 2×2=4 होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स भगवान है सिद्ध करी पोस्टुलेट्स, समझ रहे, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, लेकिन 370 एक आइडियल फॉर्मेट है जिसमें जब आप 27% की तरफ पढ़ेंगे ना तब उसमें हम आते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे होता है, ठीक, ये वाली स्लाइड हटाइए, ठीक, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है पावर और डिफिकल्टी वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता होगा, सबको पता है डीपी और डीवी,
कि नहीं पता है किसी को, पता है ना? हाँ, तो इस पर नहीं फोकस करते हैं, कैसे काम करना है उसको दिखाते हैं। ठीक, चलो भाई, अब देखिए आपको ये फॉर्मेट तैयार करना, इस फॉर्मेट को समझने के लिए आपको मैं फिर से ब्लैक बोर्ड पे ही जाऊंगा, तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, फिर स्कोरिंग करनी है, फिर सीट को अरेंज करना है, फिर आरएच और आरएन निर्धारित करना है, फिर 27% लेना है और डीपी और डीपी कैलकुलेट करना है। ठीक, ये पूरी प्रोसेस, ठीक, सेवन स्टेप में मान जाती है प्रोसेस। इसको हटाइए,